मीरा भाईंदर के काशी गांव में प्रयास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह तथा प्रयास फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के प्रति रुझान देखने को मिलते रहता है और प्रयास फाउंडेशन कोरोना जैसी महामारी बीमारी के समय भी लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही थी, उसी का उदाहरण आज फिर से देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से बढ़ रहा है तो प्रयास फाउंडेशन ने राहत का कार्य करते हुए ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें काशी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इस कार्य का सराहना करते वहां के स्थानीय नगर सेवक अनिल भोसले और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाले प्रयास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह जी को धन्यवाद अदा किए। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। अभी जो आप देखेंगे कि प्रयास फाउंडेशन की तरफ से जो ब्लड डोनेशन का काम कैंप जो रखा गया है और उसमें जो है मैंने भी डोनेट किया है और हमारे जो पत्रकार महेंद्र कुमार गुप्ता वो भी डोनेट कर रहे हैं। सर, अभी आप जब ये डोनेट कर रहे हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का हल्का एकदम लग रहा है शरीर में, मतलब हल्का हल्का लग रहा है। हाँ एकदम। चलिए, जिस तरह से गंगा में जिस तरह देना चाहिए, जिस तरह से गंगा की डुबकी लगाने के बाद पाप धुल जाते हैं, वैसे ही ये ब्लड देने के बाद में मनुष्य के शरीर से सारे रोग हट जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों ने रक्तदान करना चाहिए, समाज के प्रति हमारी भी कुछ देन है तो वो हमें पूरी करनी चाहिए। चलिए, ये आपने दे दिया ना? अभी दे दिया, अभी आराम कर रहा हूँ। चक्कर बकर नहीं आ रही है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर, यानी कि बीमारी निकल गई आपकी? ऐसा लग रहा है अभी। चलिए, बहुत अच्छा। इसी तरह आप ब्लड डोनेट करते रहें और ये जो सारी यहाँ पे आप देखेंगे जो इंदिरा गांधी की टीम है दवाखाने की, वो सारे लोग यहाँ पे इन पे ध्यान रख रहे हैं कि किसी के साथ में कुछ हो नहीं और हर एक पे ध्यान रख रहे हैं कि वो अच्छे से उनकी बॉडी वर्क करे और उसी तरह से सब कर रहे हैं। और हमारे पत्रकार महोदय भी ये भी दे रहे हैं ब्लड डोनेट और जो प्रयास फाउंडेशन के मुकेश सिंह हैं, नितेश सिंह जी भी हैं मौजूद, वो लोग भी इसमें का योगदान कर रहे हैं, उनके साथी। अच्छा, आपने है ये ब्लड डोनेशन का ही कार्यक्रम क्यों चुना? देखिए, ये रक्तदान जो है महादान है, बाकी कोई भी चीज़ हम मुफ्त में लोगों को दे सकते हैं लेकिन ब्लड देना, अभी देख रहे हैं अब कोरोना की जो स्थिति है, फिर तीसरी लहर की तैयारी चल रही है तो हम लोग इसके लिए पहले से अपने तैयारी में लगे हैं। बाकी अगर हम किसी एक व्यक्ति का भी जान बचा सकते हैं तो हम ये सोचूंगा हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगाए कि कोरोना आने से पहले हम लोग ब्लड को एकत्रित करके रखते हैं। अगर एक भी व्यक्ति का किसी का हम लोग जान बचाने में कामयाब हो गए तो हम ये सोचेंगे कि हमने को ने बहुत ही सराहनीय काम किया, अच्छा काम किया। और मैं सबको प्रेरित भी करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप ब्लड दीजिए और इस संस्था के माध्यम से हम लोग और अच्छे अच्छे काम करने का सोच रहे। निःशुल्क ई श्रम कार्ड भी बना रहे, वोटर कार्ड भी बना रहे, जिसका नाम वोटर कार्ड में नहीं है वो भी डाल सकते हैं। और डेंटल चेकअप भी यहाँ रखा गया है, मुफ्त में आँखों का इलाज भी रखा गया है। चलिए, ये भी सरकार का कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा काम ये कर दे रहे हैं। देखेंगे तो आप यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन का पूरे कई लोग जो है देते जा रहे हैं और यहाँ पे आँखों की जो चेकअप चालू है ये देखेंगे आँखों का जो आपको, अच्छा जो आँखों का मुफ्त में इलाज हो रहा है? हाँ, मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो ये जो आंखों का आपका जो नंबर है चेकअप हुआ है, कुछ कमी निकली है? नहीं, ठीक है, बराबर है, एकदम सही है, चेकअप सही से हो रहा है? सही। चलिए, यहाँ पे सारे काम जो है एकदम सही से हो रहे हैं और कुछ और भी प्रयास फाउंडेशन के जो टीम वाले मेंबर्स होंगे तो वो भी मौजूद है। तो सर, आप ये काम करके आपको किस तरीके से जो महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देख के हमें बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है। हमारे माननीय श्री अध्यक्ष नितेश सिंह जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मैम महापौर जी भी हैं यहाँ पे, अनिल भोसले जी हैं यहाँ पे, अनिल टाटे जी भी हैं यहाँ पे। ये सब काम जो है यहाँ पे जो भी सहयोग है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं यहाँ पे, और सब जनता का जनार्दन का जो भी है कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, यहाँ पे सर मौजूद हैं। अच्छा सर, ये जो काम हो रहा है आप इसके कितने सपोर्ट में, ये हमेशा होना चाहिए कि वन टाइम के लिए ठीक है? सर, आपके जानकारी के लिए बोलते हैं, आपका न्यूज़ है ना, हमारे हमारा विरोधी है ये बात पक्का है, हमें भी मालूम है, क्योंकि आप जब भी न्यूज़ लगाते हो कि बीजेपी के विरोध में जितने हैं वो न्यूज़ आप ढूंढते हो, लेकिन ये बात सच्ची ही है। ठीक है, जो विरोधियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि विरोधी लोग ही हम जो हमारा सफलता बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी काम होते, बीच में विश्व हिंदू परिषद ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से कैंप हुआ था, अभी ये प्रयास फाउंडेशन है, ये हमारा बीजेपी का एक ग्रुप है, प्रयास फाउंडेशन जो रहेगा तो ये हमारा टोटल, हाँ कौन सा टोटल पदाधिकारी बीजेपी के,
टोटल ही पदाधिकारी कार्यकर्ते हैं, बीजेपी के सक्रिय सदस्य है। मंग दादा भारतीय जनता पार्टी को उसका डेटा देता हूँ मैं, मतलब हाँ, मतलब सक्रिय सदस्य भी है, प्राथमिक सदस्य भी है, और जिधर इतने भी अभियान चलते हैं भले विरोधक हमें कुछ भी बोले, लेकिन ये बात सच है, इधर चाहे कोरोना के समय में हमारे महापौर मैडम ने पूरे जितने भी शहर में हमारे परिसर में आरोग्य की व्यवस्था बोलो या ब्लड की व्यवस्था बोलो, खाने की व्यवस्था बोलो, हम लोग भी हमारे लेवल पे अपना क्या बोलते हैं उसको मेडिकल, मतलब 14,000 लोगों का मेडिकल किए थे, 9,500 लोगों का डेटा कलेक्शन करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 9,500 परिवारों को रेशन देने का काम किया। ये कोरोना के लिए जब से महाबीमारी आई है और सबसे ज़्यादा कम पेशेंट और कम डेथ अगर ये हुई है तो हमारे परिसर में हुई है, मतलब बाकी परिसर में बहुत सारी डेट की संख्या ज़्यादा है। चलिए, इनके कहने के मुताबिक में ये है कि इनकी जो काम की जो वर्किंग है वो सबसे फास्ट है, पे महापौर भी जी मौजूद हैं, ये जानते हैं। मैडम, आप ये जो काम हो रहा है इस वक्त में, आप इसका कितना जो सराहना करते हैं? प्रयास फाउंडेशन की तरफ से आज रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप यहाँ पे रखा हुआ है। पहले तो मेरी तरफ से मैं प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा उनके सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही अच्छा नेक कार्य यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि रक्तदान ये सबसे बड़ा दान है जो यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे कि परिस्थिति मीरा भाईंदर शहर की फिर से बदल रही है, कोरोना का प्रादुर्भाव फिर से शहर में हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में रक्त की ज़रूरत फिर से लग सकती है और प्रयास फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ में। चलिए, ये मैडम की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, एक और चीज, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? जो भी यहाँ पे रक्तदाता आए हुए हैं उनको मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं और उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ कि ऐसे ही वो अपने शहर के जितने भी नागरिक हैं उनको ऐसे ही सहकार्य करें। चलिए, ये थी यहाँ की महापौर ज्योत्सना हसनाले जी। तो ये सब यहाँ पे मौजूद हैं और इस चीज़ को जो है काफ़ी, मतलब बढ़ करके इसमें ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आएं और आकर के ब्लड डोनेट करें, मीरा भाईंदर को बचाएं। और ये सही है कि मीरा भाईंदर को बचाने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। सर, आप भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपको ये चीज़ देख करके कितना अच्छा लग रहा है? पहले प्रथम तो मैं प्रयास फाउंडेशन को और यहाँ पर महापौर और अनिल भोसले साहब नगर सेवक, इनको अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग ये प्रयास फाउंडेशन के प्रोग्राम में आए और इनका मनोबल बढ़ाया। तो और जो भी रक्तदान यहाँ पे कर रहे हैं उनको भी हमारे प्रयास फाउंडेशन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको अभिनंदन करते हैं। प्रयास फाउंडेशन ने जो काम किया है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो रक्तदान है, ये रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है और होना ही चाहिए। मीरा भाईंदर के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में जो बढ़ रहा है, प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है जो कर रहे हैं काम। चलिए, अभी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे वो बोर्ड पे तो सारी चीज़ें फ्री लिखी हुई है, और फ्री काउंसिलिंग है, फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप है, फ्री में ई चेकअप है, यानी बहुत सारे इसमें जो है मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो शायद नगर पालिका के जो BMS डॉक्टर होते हैं और MBBS डॉक्टर होते हैं वो भी शायद यहाँ लगभग मौजूद ही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे निराशन हो, अभी आप मेरे जो पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और ये लोगों को जो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। मैडम, आप ब्लड प्रेशर का ही चेक कर रहे हैं ना? चलिए, ये ब्लड प्रेशर मैडम चेक कर रही है। तो अभी तक आपने कितने लोगों को, मतलब इसमें जो शिकायतकर्ता पकड़े गए हैं, जैसे कि जिनको जो बीमारी साबित हुई है? बीमारी वगैरह तो नहीं है कुछ, अभी किसी को भी नहीं। बीपी का थोड़ा एक जनिक था प्रॉब्लम, 150/80 था बीपी। चलिए, और फिर उसको आप गाइड भी करती हैं ना? हाँ हाँ। चलिए, ये इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने जो पूरी तरीके से जो है काम को किया, देखिए जितने लोग हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए हैं। तो आप जो सर जी, आप भी अपना चेकअप करा रहे हो? हाँ, चेक करा रहा हूँ। तो कुछ निकला कि नहीं? नहीं नहीं, हमारा सब नॉर्मल। चलिए, भगवान सब अच्छा रखे। हाँ, सब कुछ अच्छा। हाँ, चलिए, आप लोग भी यहाँ पे मतलब चेक करवा रहे हो? हाँ, हम लोग चेक करा रहे हैं। सब ठीक है? सब ठीक। चलिए, खुशहाल रहिए, अच्छे रहिए और इसी तरह ब्लड डोनेशन में योगदान देते रहिए। मीरा भाईंदर को बचाना है और कोरोना को दूर भगाना है, और ये नारा हमारा सही है कि नहीं सर जी? सही है ना नारा? चलिए, ये सपोर्ट का नारा है कम से कम, कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर में, काशी मीरा के अंदर में यहाँ पे ब्लड डोनेट का काम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है प्रयास फाउंडेशन की तरफ से, और कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं जो वर्तमान में पावर में हैं, वो लोग भी साथ में यहाँ पे साथ दे रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, सुप्रीम टीम समाचार में महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।